मूंग दाल और मेथी के पत्ते की सब्जी बनाने के लिए मैंने ये एक कटोरी इस कटोरी से मूंग दाल ली है, मैंने ये छिलके वाली ली और इसे धो के वो मैंने और थोड़ी देर के लिए इसे हमें भिगो के रख देना है। और हमने ये 250 ग्राम मेथी के पत्ते लिए, इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। अब इसे हम बारीक काट लेंगे। पहले क्या करेंगे, हम मूंग दाल को उबाल लेंगे। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई पे पानी उबलने के लिए रख दिया है। अब ये उबलने लगा है, अब इसमें हम ये दाल डाल देंगे। इसे हमें एकदम गलाना नहीं है, कुकर में नहीं पकाना, नहीं तो वो कुकर में फिर एकदम ज्यादा कुक हो जाती है इस तरह से। अब इसमें थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे और ढक्कन लगा देंगे। इसे ढक्कन लगा के हम पकने देंगे, बस सिर्फ पक जाए और गलाना नहीं और खड़ी खड़ी रहना चाहिए। जब तक दाल बॉईल हो रही है तब तक मैं इसकी तैयारी कर लूंगी। पहले मैं ये मेथी के पत्तों को अच्छे से काट लूंगी बारीक बारीक, जिससे भी आपको काटना जो आपको इजी लगे। अब हम क्या करेंगे कि ये अदरक लेंगे और इसे मिक्सी में इस तरह से ऐसे रफली चॉप करके डाल देंगे। और ये लेंगे हम 5-6 लहसुन की कलियां, वो भी इसमें डाल देंगे। और ये लेंगे हम 4 हरी मिर्च और इसे हमें दरदरा ग्राइंड हम कर लेंगे। इसे हमें इस तरह से इसे ग्राइंड करना है। अब अभी इसे हम साइड में रख देंगे। और ये जो प्याज है, हमें 4 बड़ी प्याज हमने ली है, मीडियम साइज की, बड़ी तो नहीं है। इसे हम बारीक बारीक काट लेंगे। इसे मैंने ऐसे छान लिया, अब ये पक गई है लेकिन मतलब खड़ी है, ऐसा नहीं कि एकदम गली हुई है, ये देख पक गई है ये। अब मैंने इसका पानी ये इस तरह से निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे कि गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाएंगे इसे फ्राई करने के लिए। अब इसमें मैं 2-3 चम्मच ऑयल डाल दूंगी और 1 चम्मच घी डाल देंगे। इसमें डाल देंगे हींग, आधी चम्मच हींग और आधा चम्मच जीरा। अब इसमें जो मैंने ये अदरक लहसुन और मिर्ची ग्राइंड करके रखा था वो डाल देंगे। अब इसे भून लेंगे। अब इसमें डाल देंगे ये प्याज, इसे ब्राउन होने तक हम इसे पका लेंगे। इसे हम इसी तरह से अभी भून लेंगे थोड़ा सा ब्राउन होने तक। अब इसमें एक टमाटर मैंने काट के रखा था वो डाल देंगे, इसे भी थोड़ा सा पका लेंगे। थोड़ा सा धनिया पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी और डाल देंगे थोड़ा सा लाल मिर्च, क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाल रखी पहले से। अब इसे थोड़ा सा टमाटर नरम हो जाएगा फिर मैं मेथी भाजी डालेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हमने जो हरा धनिया काट के रखा था वो डाल देंगे। फ्राई करते समय इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा अभी डाल देंगे फिर और बाद में डालेंगे। इस तरह से ये एकदम मतलब हटके टेस्ट आता है। अब हम इसमें डाल देंगे ये जो मैंने दाल बॉईल करके रखा था वो डाल देंगे। हम नमक डाल देंगे, नमक थोड़ा सा कम ही डालेंगे क्योंकि मैंने दाल में पहले से भी नमक डाल रखा था। अभी दाल में और डालूंगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो मेथी हमने रखी थी वो थोड़ा थोड़ा डाल के चलाते जाएंगे, एकदम से पूरी नहीं डालना, थोड़ा डालेंगे फिर इसको ऐसे से मिलाएंगे फिर थोड़ा सा डालेंगे, नहीं तो एकदम से पानी छोड़ देगा पूरा। इस तरह से, और फ्लेम को अभी हम फुल में रखेंगे, ऐसे मिलाते जाएंगे और डालते जाएंगे पत्तियों को। बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्जी, चपाती के साथ खाइए और हेल्दी भी होती है, फायदा भी करती है, मूंग की दाल भी मेथी भी। अब इसमें थोड़ा सा ये और डाल दूंगे। थोड़ा इससे जैसे ये अभी मैंने ये दाल को गलाया है तो इतनी नहीं गलना चाहिए, थोड़ा सा और कम इससे गलना चाहिए, मेरे से ज्यादा थोड़ा सा गल गई है। इसीलिए कुकर में नहीं पकाते हैं, हमेशा पैन में या फ्राई पैन में या कढ़ाई में किसी में ही पकाइए। और ये सब्जी आप बना के देखिए, इतनी टेस्टी लगती है,
कि आप दोबारा से फिर बनाएंगे। अब इसे हम थोड़ा सा ऐसे भून लेंगे और अब डाल देंगे गरम मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला। अब ये मूंग दाल और मेथी हमारी बन गई। अब इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल दूंगी, आधा चम्मच नींबू का रस, और नींबू का रस नहीं है तो अमचूर भी डाल। अभी अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और ये हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी ऊपर से। अब ये हमारी मेथी की पत्ती और मूंग दाल की सब्जी बनके तैयार है। आप इसे खाइए, खिलाइए, बनाइए और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।